सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल डेंजर ईपीएस। एंड गाइस आज की वाली इस वीडियो में हम वापस से खेलने जा रहे हैं GTA 5। एंड गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने GTA 5 किससे पहले भी काफी दो तीन वीडियोस डाल रखी है, तो जिसने भी नहीं देखी जल्दी से जाके देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जो गाइस जिसने पहली वाली वीडियो देखी होगी उसे ये तो जरूर याद होगा कि मुझे एक बाइक चाहिए थी जिसके लिए मैंने एक शोरूम के मालिक से बात की थी। तो उस बंदे ने मुझे एक लोकेशन बताई थी जिस लोकेशन पर मैं चला गया था बाइक लेने के लिए, बट वहां पर हो गया था थोड़ा सा गलत सीन। तो गाइस वहां पर एक गैंग आ गई थी, वेगोस गैंग, उस गैंग से हमारी लड़ाई हो गई थी। एंड वो बाइक तो मैं लेके आ गया था जैसे तैसे, एंड उस बाइक को मैंने दे दी थी लमार को, वो मेरे घर पे लाने वाला था रिपेयर करा के, बट गाइस वो मेरे घर पे नहीं लेके आया। एंड मैंने शोरूम के मालिक से अभी बात की तो उसने मुझे बोला कि यार वो बाइक मैं तुम्हें दे तो दूंगा बट तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, उसके लिए तुम सबसे पहले मेरे शोरूम पे आ जाओ। तो यार अभी चलते हैं सबसे पहले उसके शोरूम पे उससे बात करने के लिए। तो गाड़ी उठाते हैं यार अपन सबसे पहले तो अपनी। ओके तो भाई अब निकलते हैं सीधा उसके शोरूम के लिए, एंड गाइज वहाँ चल के उससे बात करते हैं कि वो अपने को क्या काम देने वाला है। ओके तो यार अभी चलते हैं अपनी गाड़ी को लेके सीधा उसके शोरूम पर। ओके तो गाइज मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते उसके शोरूम के पास में तो आ चुका हूँ, एंड गाड़ी को अपन नॉर्मल यहाँ पे पार्क कर देते हैं। ओके अब चल के उससे बात करते हैं, वो खड़ा हो रहा। Okay, तो गाइज मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है, एंड इसने बोला कि तुम फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, एंड जल्दी से मैं तुम्हें एक लोकेशन दे रहा हूँ, जल्दी से वहाँ पर जाओ, एंड मेरी एक कार वहाँ पे खड़ी है तो तुम वो कार चुरा के लेके आओ। तो भाई अभी चलते हैं यार इसकी कार चुरा के लाते हैं, फिर उसके बाद में ये अपने को बाइक देगा। ओके तो इसकी बताई हुई लोकेशन को फॉलो करते हैं एंड सीधा चलते हैं अपन वहाँ पर। ओके तो गाइज मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते उस बंदे की बताई हुई लोकेशन पे तो आ चुका हूँ, एंड गाइज वो लोकेशन आई थिंक ये घर है गाइज के। तो वो लोकेशन यार आगे की साइड शो कर रही है। ओके तो भाई अपने को इसी घर के अंदर जाना है, एंड इसी के अंदर से वो गाड़ी चुरानी है। तो भाई इसका रास्ता इधर से कि ये तो ओपन होगा अबे भाई। ओके तो इसको टाप के भी अपन जा सकते हैं, एंड भाई इधर इसका गार्डनर खड़ा है, इससे चुपचाप अपन छुप के जाएंगे। भाई इसको मार दूंगे मैं, और भाई तू ये खा, एक और खा। भाई गार्डनर को तो मैंने टपका दिया, एंड गाइस गाड़ी इधर ही इधर खड़ी होनी चाहिए। ओके तो गाड़ी की लोकेशन तो मुझे इस साइड पे आ रही है, इस गैरेज के अंदर गाड़ी है भाई, एंड ये गैरेज किससे खुलेगा भाई। अबे भाई गैरेज तो लॉक है यार। ओके तो अपन एक काम करते हैं घर के अंदर से चलते हैं। अबे भाई साहब घर भी लॉक है भाई, इस बंदे ने पूरी तैयारी कर रखी है यार, गाड़ी को लॉक वगैरह कर रखा है ताकि कोई ले जा ना सके। के तो इस साइड तो एक मॉन्स्टर ट्रक खड़ा है भाई, यार क्या तगड़ा ट्रक है। ओके तो यार इसके पीछे से भी कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए आई थिंक घर का। ओके तो इधर रास्ता तो है घर के अंदर जाने के लिए। ओके भाई यार ये भी लॉक है यार, भाई पूरे दरवाजे लॉक कर रखे इसने, तो विंडो वगैरह दरवाजे वगैरह सब लॉक कर रखे हैं। के ये लास्ट रास्ता आई थिंक इस घर का, एंड भाई ये भी लॉक्ड है। इधर ऊपर नीचे कहीं पे देखो यार कोई विंडो वगैरह खुली हो तो। भाई यार कोई भी रास्ता खुला नहीं है यार इसके घर के अंदर जाने के लिए। तो के तो भाई ऊपर एक विंडो खुली है भाई, मैं एक मिनट जूम करके देखता हूँ। के तो भाई एक विंडो ऊपर की साइड में खुली है, बट इस पे आई थिंक इसके ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा अपने को। ओके तो इसके ऊपर तो मैं आ चुका हूँ। ओके तो भाई इसी के ऊपर से जाना है मेरे ख्याल से। ओके तो गाइज मैं आ चुका हूँ सीधा इसकी छत पे, एंड मुझे चलना है घर के अंदर। एंड भाई घर के अंदर से तो काफी ज्यादा आवाज आ रही है यार, कोई ना कोई लड़ाई कर रहा है क्या घर के अंदर। ओ भाई इधर तो, अबे भाई साहब अभी कोई लड़की गई है यहाँ से, एंड बच के भाई यहाँ पे एकदम। अबे भाई साहब इधर तो कोई बंदा अपना PS5 चला रहा है यार, तगड़ा भाई। ये तो भाई क्या तगड़ा गेम खेल रहा है यार PC के अंदर अपने। भाई कोई ना अभी दो बंदे यहाँ पर है, इनसे बच के तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्राउच लेके जाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे और भी बंदे हो सकते हैं आई थिंक। गाइस चुपचाप अपने को जाना है। ओके तो गाइस यहाँ पर कोई एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे हैं, एंड अपने को इनसे नहीं इधर इधर चलते हैं। ओके तो गाइस इधर मैं आ चुका हूँ, ये अपना पता नहीं क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, टेनिस वगैरह खेल रहे हैं तो कोई ना। ओके तो गाइस ये रही वो गाड़ी, तो गाइस ये गाड़ी उठाते हैं अपन। एंड गाइज गाड़ी तो बहुत शानदार है, एंड मैंने यहाँ से निकाल तो लिया है, एंड गाइज अब तो अपने लिए गेट खुल जाना चाहिए। ओके तो गाइज गेट तो अपने लिए खुल चुका है, तो गाइज अभी अपन चलते हैं सीधा उस शोरूम के मालिक के पास में, एंड गाइज उसका कॉल भी आ चुका है मेरे पास में, तो उससे बात भी कर लेते हैं। ओके तो भाई गाड़ी तो यार चलने में तो मस्त है, एंड गाइज इसकी लुकिंग्स भी मस्त है, येल्लो कलर की गाड़ी है भाई, क्या तगड़ी गाड़ी है। एंड गाइज गाड़ी में कौन बैठा है भाई, ये भाई गाड़ी में कोई ना कोई तो भाई सब, गाड़ी में तो माइकल बैठा है भाई। अबे भाई माइकल। ओके तो गाइज माइकल, यार माइकल के बारे में जो भी नहीं जानता तो जल्दी से जाके मेरी पहली वाली वीडियो देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो माइकल के बारे में आपको वहां से पता चल जाएगा माइकल कौन है क्या है। बाकी तो गाइज माइकल इस गाड़ी में क्या कर रहा है भाई, यार माइकल की है क्या यार ये गाड़ी, एंड माइकल के घर से अपने चुरा के लाए भाई। उस बंदे ने तो अपने साथ में बहुत बड़ा
स्कैम कर दिया यार, माइकल की गाड़ी उठवा रहा है अपने से। बाकी तो गाइस कोई ना यार, माइकल से अपने को बात करनी है यार। माइकल थोड़ा शांत हो जा भाई। ओके तो गाइस अभी यार इस साइड में गाड़ी को रोक के माइकल से बात करते हैं एंड माइकल से मैटर थोड़ा सॉल्व करते हैं अपना। ओके तो गाइस माइकल से मेरी बात हो चुकी है एंड माइकल ने मुझे बोला है कि यार तुम उस बंदे के लिए काम मत किया करो, तुम मेरे लिए काम करा करो, मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा और रहने के लिए अच्छे खासा घर दूंगा। तो तुम यार मेरे लिए एक काम करो कि सीधा उसके शोरूम के पास में ले चलो। एंड वो बंदा यार थोड़ा करप्ट टाइप का बंदा है, वो अच्छा बंदा नहीं है, उसके लिए काम अपने को नहीं करना चाहिए। तो अब से अपन माइकल का साथ देंगे। तो माइकल अपनी टीम में है, तो माइकल ने मुझे बोला है कि किसी को अपने ऊपर शक ना हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर एम करके रखूंगा एंड तुम जाके सीधी उसकी विंडो तोड़ देना जो आगे लगी हुई है कांच की। तो गाइस माइकल ने मुझे इंस्ट्रक्शन तो दे दिया है कि तुम जाओ और सीधा वो विंडो तोड़ दो सामने जो लगी हुई है वो कांच वाली। के तो यार अपन चलते हैं सीधा एंड उस विंडो को। ओके तो गाइस मैंने विंडो तोड़ा दी है एंड गाइस अभी माइकल को इससे बदला लेना है। गाइस माइकल की कोई पुरानी दुश्मनी है इससे। ओके तो गाइस अब इस बंदे को सिर्फ मारना है अपने को एंड भाई माइकल की कोई पुरानी दुश्मनी आई थिंक इससे। के तो गाइस इसको मैंने बुरी तरह फोड़ दिया भाई, यार इसको बुरी तरह तोड़ा है भाई इस माइकल ने। ओके तो गाइज मुझे माइकल का भी कैरेक्टर मिल चुका है अब एंड गाइज माइकल की प्रॉपर्टी और एक नंबर है भाई। तो गाइज फ्रैंकलिन ने माइकल के लिए थोड़ा इतना सा काम किया, तो गाइज माइकल इससे इंप्रेस हो गया एंड माइकल ने फ्रैंकलिन से वादा किया है कि उसको रहने के लिए अच्छा खासा घर भी देगा इस सिटी के अंदर एंड भाई उसको साथ ही साथ में अपना दोस्त बना के रखेगा एंड काफी सारे पैसे वगैरह भी देगा। एंड गाइज माइकल का दोस्त एक ट्रेवर था जो तो अब इसके पास है नहीं अभी, तो अभी इसका दोस्त इस सिटी के अंदर फ्रैंकलिन ही बना है। तो भाई इसको काम वगैरह साथ में रखेगा अभी फ्रैंकलिन को, तो दोनों भाई एक साथ में मिशन वगैरह करेंगे। तो कोई ना यार अभी तो अपन चलते हैं सीधे माइकल के घर पे एंड मैं आप लोगों को माइकल का घर दिखाता हूँ। भाई यार माइकल का घर भाई क्या तगड़ा घर है माइकल का। ओके तो गाइज मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते तो माइकल के घर की तरफ आ चुका हूँ एंड गाइज ये रहा माइकल का घर एंड भाई क्या तगड़ी प्रॉपर्टी है। एंड भाई इसका गेट भी देखो यार, सेंसर वाला गेट है तगड़ा। एंड भाई इसका घर देखो आप एक बार, क्या तगड़ा घर है भाई माइकल का। के तो अभी चलते हैं यार अपन सीधा, मैं आप लोगों को यार इसका एक बार घर दिखा देता हूँ। भाई ये है माइकल की कार एंड गाइज कार भी ठीक ठाक ही है। बाकी तो गाइज इसने घर के आगे एक छोटा सा गार्डन बना रखा है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है यार घर के आगे। एंड ये है अपने माइकल का गैरेज जहाँ पे अपनी एक दो गाड़ी आराम से पार्क कर सकता है। एंड गाइज ये है इसका घर। भाई साहब माइकल ने यार इतनी जल्दी यहाँ पे सिटी के अंदर इतनी प्रोग्रेस कर ली भाई। तो गाइस ये है इस घर का बैकयार्ड जो कि यार इसने बहुत तगड़ा बना रखा है। घर के पीछे एक छोटा सा पूल एंड बैठने के लिए एंड चिल करने के लिए अपना यहाँ पर एरिया बना रखा है तगड़ा शानदार। एंड गाइस ये है घर की बैक एंट्रेंस। भाई बैक एंट्रेंस भी इसने तगड़ी बना रखी है भाई एंड यहाँ पर डाइनिंग टेबल वगैरह लगी हुई है, यहाँ पर ये बैठ के खाना वगैरह खा सकता है। एंड ये है इसका किचन एंड किचन भी यार ठीक ठाक है। बाकी तो गाइस ये है इसकी लॉबी। भाई भाई इसके घर में तो प्रोजेक्टर लगा हुआ है भाई, तगड़ा लग रहा है यार ये भी। एंड यहाँ पे अपना बैठ के चिल वगैरह कर सकता है एंड टीवी वगैरह भी देख सकता है। तो गाइस अभी इसका लिविंग एरिया मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर की साइड में भाई बहुत तगड़ा लिविंग एरिया है इसका। तो भाई ये है आई थिंक इसकी बेटी का रूम है। ओके तो इसमें तो क्या ही चलेंगे अपन। एंड भाई इसका बेटे का रूम तगड़ा है भाई। इसमें ये देखो आप एक बार, कितना तगड़ा PS5 लगा हुआ है, नीचे इसका लैपटॉप एंड इधर इसका PC। भाई क्या तगड़ा सेटअप कर रखा है इसने तो। बाकी तो गाइज इसका रूम मैं आपको एक बार दिखा दूँ। तो गाइज ये है इसका डबल बेड जिसपे माइकल एंड माइकल की वाइफ्स होते हैं। एंड भाई ये देखो भाई, ये इसकी विंडो है जहाँ से धूप वगैरह बाहर आती है। तो गाइज यहाँ पे ये कपड़े वगैरह चेंज कर सकता है माइकल। तो यार इसको एक लगे आते अच्छे से कपड़े पहना देते हैं अपन। ओके तो इसको ब्लैक सूट बना देते हैं। बाकी तो गाइस ब्लैक सूट इसके ऊपर क्या तगड़ा लग रहा है भाई। तो गाइस जैसा कि आज की इस वाली वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि माइकल ने इस शोरूम के मालिक से लड़ाई की एंड भाई अभी अपने को माइकल का कैरेक्टर भी मिल चुका है। तो गाइस आने वाली वीडियोज और भी इंटरेस्टिंग होगी GTA 5 की। एंड गाइस एक बार आप माइकल का लुक देखो भाई, इस ब्लैक सूट के अंदर क्या तगड़ा लुक आ रहा है माइकल का। तो गाइस मेरे साथ इस चैनल पे आप बने रहना एंड गाइस इस चैनल को आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जाके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस आपको आज की वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना है एंड अगर अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइस आप लोगों को GTA 5 अच्छा लगता है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी नई से नई लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस आपको तुरंत ही मिल जाए। तो गाइस मैं आपको ऐसी बहुत तगड़े GTA 5 के गेम प्ले वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।